नमस्कार। जनसरोकार मंच के इस संवाद में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रभा मुजुमदार से। कवित्री हैं और बहुत सटीक लिखती है और वर्तमान पे लिखती है। वर्तमान में जो हालात हैं, कहें कि जो नफरत की दुकान खुली हुई है, उसके ऊपर भी सटीकता से अपनी बात कहती हैं और इसी कारण से उनकी बात, आपकी बात बहुत दूर दूर तक सुनाई देती है, लोग पढ़ना पसंद करते हैं। आपके अब तक 4 प्रकाशन हो चुके हैं। अपने अपने आकाश काव्य संग्रह जो 2003 में आया, तलाशती हूँ जमीन ये भी काव्य संग्रह 2010 में आया, अपने हस्तिनापुरों में यह भी काव्य संग्रह 2014 में आया। इसका तो शीर्षक से ही पता लगता है कि क्या कहना चाहते हैं। ऐसे ही सिर्फ स्थगित होते हैं युद्ध, यह 2019 में आया था, काव्य संग्रह 2019 में आया था। आपकी कुछ कविताएं जो मैंने पढ़ी है, जो बहुत मुझे बहुत पसंद आई, उसमें एक विभाजन है, दो डर शीर्षक से दो कविताएं हैं, एक है प्रयोजन, सिर्फ स्थगित होते हैं युद्ध, हस्तिनापुर। प्रायोजित जो कविता है वो तो बड़ी अच्छी कविता है। ऐसे ही तानाशाह, नाम लेते में दिमाग में कुछ और ही आ जाता है और सही भी आता है। और हस्तिनापुर जो कविता है वो तो आजकल के जो धृतराष्ट्र होने का मतलब जन्मांध होना नहीं है। आजकल जो लोग बाग घटनाएं होते हुए देखते हैं, केवल देखते भरे हैं और निकल जाते हैं, टीवी पर भी देखते हैं और बस ठीक है, अखबार में भी पढ़ा और ठीक है, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कहीं कुछ नहीं। उनके लिए ये धृतराष्ट्र के लिए, अकेले के लिए नहीं, जो आंखें होते हुए भी अंधे हैं उनके लिए ये कविता लिखी गई है। ऐसे ही प्रयोजन जो कविता है, टूट जाएगी मठ और गढ़, बड़ा अच्छी कविता है ये। भस्म हो जाएंगी प्रतिमाएं भी क्या इतने से, ये भी बहुत अच्छी कविता है। तानाशाह जो कविता है उसमें तानाशाह के लिए जरूरी बस इतना ही है कि खड़े कर दिए जाएं वे तमाम लोग एक दूसरे के विरोध में, आज को व्यक्त करती हुई यह कविता है। मैं डॉक्टर प्रभा मुजुमदार जो भूवैज्ञानिक पद से सेवानिवृत्त हुई है, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपनी कुछ कविताएं मैंने पढ़ी वो भी सुनाए और कुछ और अपनी भी आज के हालात पे, आज जो स्थिति है उसके ऊपर प्रासंगिक जो होता है उसके ऊपर कुछ कविताएं प्रस्तुत करें। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भारत जी, आपने तो बहुत ज्यादा प्रशंसा के शब्द युक्त किए, अपने उपयोग किए हैं, लेकिन पता नहीं मैं कितना उस पैमाने पर सही उतरती हूँ। लेकिन मैं आज के ही प्रसंग में कुछ कविताएं जो आपने जिक्र किया है तो मैं उनसे शुरू करती हूँ और कुछ और भी कविताएं पढ़ूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहली कविता हस्तिनापुर शीर्षक से ही पढ़ती हूँ, जिसका जिक्र अभी भी भारत जी ने किया है। हस्तिनापुर। धृतराष्ट्र होने का मतलब अंधा जन्मांध अंधा होना नहीं होता। धृतराष्ट्र होने का मतलब है अंधत्व को अर्जित करने, कैश करने की जादूगरी। बहुत कुछ अनदेखा और खारिज कर सकने की सुविधा के लिए, चुप्पी और प्रलाप के लिए, अनुकूल अवसर पाने के लिए। पुत्र मोह से भी अधिक घातक होता है एक राजा का आत्म मोह। पुत्र मोह से भी अधिक घातक होता है एक राजा का आत्म मोह। समय की शिला पर अपना नाम उकेरने, धरती और आकाश पर विजय पताका फहराने की चाहत, रक्त की नदियों और लाशों के पर्वत की कीमत पर भी, निरंकुश फरमानों पर
सील मुहरें लगवाने के लिए वह नियुक्तता है, अंधे गूंगे बहरे सभासद। दुर्दांत अपराधियों को महामंत्री, धर्मगुरु और न्यायाधीश सुनिश्चित करता है बार बार और हर बार की जीत, हमारी नहीं मेरी ही। एकत्रित करता है उन्मादी विवेकहीन भीड़ तमाशा देखने और ताली बजाने को। रोक पाएंगे क्या एकजुट संवेद हाथ उद्दाम आक्रामक अश्व का, दिशाओं को थर्राता अहंकारी गर्जन या लालसाओं का अश्वमेध रौंदता ही जाएगा विवेक और संवेदनाओं के भूखंड। अगली कविता है लाक्षाग्रह। निर्वासित और पराजित सत्ता पुत्र कैद किए जा चुके हैं अपने अपने डर और प्रलोभनों के लाक्षाग्रहों में। तख्त ताज और सिंहासन पर निरंतर आंख गड़ाए वे तलाशते हैं प्रतिशोध अपमान और दंड की। लंबी संकरी अंधेरी गलियों से बाहर निकलने के रास्ते, सुराखों पर लगे उनके कान पहचान लेते हैं बिचौलियों की आहट और जेलर के डंडों की गूंज। सूंघ लेते हैं वे तिलियों के जलने की गंध, भस्म हो जाने की दहशत में दस्तक देते हैं मुक्ति के लिए हर दरवाजे पर। उम्मीदों की बैसाखी के बावजूद समय के हर पल के साथ अधिक व्यग्र और व्याकुल हैं वे। संधि पत्र लहराकर सांस रोके खड़े हैं किसी भी शर्त पर अपने पुनर्वास के लिए। अगली कविता है बाकी है कुछ। अंधेरे आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट के बीच झांका है कुछ नक्षत्रों ने। सन्नाटे के त्रासदायी पलों के भीतर कुछ फुसफुसाहट हुई है। बंजर धरती में अरसे बाद कुछ अंकुर पनपे हैं। कुछ पत्तियों में अभी अभी सरसराहट हुई है। चट्टानों के बीच फूट निकले हैं आज छोटे छोटे सोते। लंबी नींद के बाद कुछ लोगों ने करवट बदली है। कुछ और नहीं बदला है यहाँ, फिर भी लगता है कितना कुछ बदल गया है। अगली कविता है सेतु। संवादों की आंच जरूरी है हमारे बीच जमी बर्फ की चट्टानों को पिघलाने के लिए। मौन के शोर में चीरती निस्तब्धता में हिकारत की दहक सर्द ठिठुरन आरोपों प्रत्यारोपों की अंधड़ और लू में अविश्वास की धुंध और कोहरे काली बदलियों के बीच उजला सा कुछ एहसास जरूरी है। निर्वासित द्वीपों की तरह अलग अलग किनारों को जोड़ने के लिए सार्थकता तलाशती अभिव्यक्ति की आती जाती नौकाओं की पहचान जरूरी है। आकाश गंगाओं के अनंत विस्तार में टिमटिमाते हुए छोटे से अपने सूरज की पहचान जरूरी है। अगली कविता है
विभाजन। जमीन पर खींची एक विभाजक रेखा का नाम नहीं है सीमा। जमीन पर खींची एक विभाजक रेखा का नाम नहीं है सीमा। छोटे छोटे मतभेद मनभेद बन जाते हैं। सद्भाव के पुल मतलब की गरजती लहरों में ढह जाते हैं। अलगाव का एक अंकुर पनपने लगता है आशंकाओं की घनी झाड़ियों में। सबसे पहले मन में ही खींचती हैं दीवारें। सबसे पहले मन में ही खींचती हैं दीवारें। मस्तिष्क जुटा ही लेता है अनुकूल तथ्य संदर्भ और आंकड़े। मौजूद ही रहती है कच्ची दीवारों को कंक्रीट से मजबूती देने आवाजाही को बंद करने को तत्पर कुछ साजिशें। घोषित हो जाते हैं रातों रात अपने लोग अपनी जमीन पराए ही नहीं दुश्मन भी। अगली दो कविताएं हैं डर। डर एक, अभेद्य नहीं होता सुरक्षा का कोई भी घेरा। अभेद्य नहीं होता सुरक्षा का कोई भी घेरा। लांघी जा सकती है हर एक लक्ष्मण रेखा। तोड़ा जा सकता है कोई भी कवच। भ्रमित और चकित किया जा सकता है किसी भी व्यवस्था को। लोह गुंबद को चीर कर बरसाए जा सकते हैं गोले। धरती आकाश और समुद्र में कहीं भी ढूंढी जा सकती है सुराग। डर के डर से मुक्ति डरा कर तो नहीं हो सकती। डर के डर से मुक्ति डरा कर तो नहीं हो सकती। डर सिर्फ डरपोक नहीं बनाता। विवश और समझौता परस्त ही नहीं दरिंदगी की हद तक ले जाता है कई बार। प्रतिशोध एक स्थायी भाव बनकर कब्जा कर लेता है विवेक और संवेदना की इंच इंच जमीन पर। डर को मिटाने छिपाने के लिए वह बन जाता है आक्रांता। नुकीले करता है नाखून छुरियों को तेज धार देता है। खत्म नहीं होती उसकी तलाश पत्थर से नाभिकीय बम लाठी से AK-47। इतिहास में दर्ज होने के लिए ध्वस्त कर देना चाहता है वह वर्तमान और भविष्य। अगली कविता है प्रयोजन। टूट जाएंगे मठ और गढ़ भग्न हो जाएंगी प्रतिमाएं भी। क्या इतने से हासिल हो पाएगी स्वतंत्रता की जमीन। बीच चौराहे पर कोई रख जाएगा एक पत्थर। चंदन तिलक लगाकर माला पहना देगा कोई और। नारियल और नैवेद्य लाकर आरती भी शुरू कर देंगे कुछ लोग। बहुत जल्द ही फैलती जाएंगी चमत्कारों की कहानियां। एक सैलाब बन जाएगी भक्तों की भीड़। आस्था के सागर में खोज लाएंगे रत्न और माणिक कुछ पेशेवर गोताखोर। तन जाएगा शमियाना जैसा कुछ और बैठ जाएंगे लोग वहां अधिपत्य जमा कर। बिन प्रयोजन नहीं रखा जाता है कभी चौराहे पर पत्थर।
यूं ही नहीं निष्कासित की जाती है कोई प्रतिमा। अगली कविता है, पक्ष प्रतिपक्ष। मुझे मालूम है कि जिंदा रहने और जगते रहने के लिए समझौतों की अंधी और भयावह सुरंग से होकर बार बार गुजरना पड़ता है और कितनी ही मौतें मरना पड़ता है। धिक्कारते हुए अपने ही भीतर के दुश्मनों को हर रोज कुचलना पड़ता है। महारथियों के बीच लड़ाई में शिखंडी की तरह कितना ही महारथी की तरह शिखंडी की तरह प्रयोग हुआ है मेरा बार बार और लगातार। अपने इर्द गिर्द की हवाओं में षड्यंत्रों की गंध को भी महसूस किया है मैंने। फिर भी खामोश रही मैं अपनी आवाजें घोंटकर, अंधे और बहरे होने का अभिनय किया है। जिंदगी के मुकदमे में पल पल गवाहियां बदलते हुए अपने ही क्रॉस एग्जामिनेशन से छलनी होती रही हूँ। नहीं है मुझे किसी निर्णय का इंतजार, प्रायश्चित का कोई पल नहीं उबार सकता अंधेरी काल कोठरी से। पूरे होशों हवासों में बेमौत मारे जाने से बचने के लिए ही सूर्यास्त के बाद प्रहार किए हैं मैंने। अगली कविता है, विस्थापित। हर दिन सहेंगे हम विस्थापन का दर्द, जमीन से उखड़ जाने का अवसाद, इसी जानी पहचानी छत चार दीवारी और अपनों के ही बीच। हर रोज हवा लेकर आती है कुछ बदलाव, धूल धुएं मिट्टी और कोहरे की नई परत। बदल जाते हैं दीवारों दरवाजों के साथ अपनों के भी चेहरों के रंग। प्याज की परतों की तरह उतरती है एक एक परत, बदलता है संबंधों का अंक गणित। सब कुछ यही यथावत होने के बावजूद कुछ भी नहीं रह गया पहचाना सा। अगली कविता है, शब्दों के मौन होने पर। क्योंकि शब्द मौन थे, सहमे और बेबस, थके और बेजान, दुखी और अतृप्त, घुप अंधेरे में डूबे अपना वजूद तलाश रहे थे। वक्त की नब्ज और सन्नाटे की आहट पढ़ रहे थे। साए साए करती हवा और मूसलाधार बारिश के थपेड़ों से अपने को बचाते हुए शब्द मौन थे। क्योंकि शब्दों के चारों ओर गूंजता था दानवी अट्टहास और हाहाकार। बिलखते थे आंसू, उफनता था लावा। शैतान गीता कुरान और बाइबल का पाठ कर रहा था अनुयायियों के एक बड़े समूह के हर्षोल्लास के बीच। शब्द मौन थे क्योंकि पत्थर की लकीरों की तरह फरमान जारी हो रहे थे और हुक्म की अदायगी
न करने वालों पर कोड़े बरस रहे थे। जल्लादों की सेना बम और बंदूकें लेकर तैयार, जलसे जैसे उस माहौल में अपराधी करार दिए गए कुछ गिने चुने लोग शब्द गिन रहे थे, मगर फिर भी शब्द मौन थे। अगली दो कविताएं हैं समुद्र। समुद्र एक। समुद्र कोई भी हो, भूखंडों को निगल जाना चाहता है, उन्हीं भूखंडों को जहां जगते हैं सपने, वर्तमान और अतीत भी। गरजती फुफकारती लहरों में डुबो देना चाहता है बालू के घरोंदे, इरादों की चट्टाने और स्मृतियों के चिन्ह भी। समुद्र सब कुछ समेट लेना चाहता है अपने अतल गहराइयों में, आकाश के अपरिमित विस्तार के नीचे किनारों को तोड़ देने के लिए व्याकुल गरजता है समुद्र अथाह गहराई में। लहरों की उछाल के साथ आकाश को भी छू लेना चाहता है विश्व विजय के लिए निकले अश्वमेध को लिए किसी आक्रामक महत्वाकांक्षी सम्राट की तरह, धरती और आकाश के बीच आक्रांता की तरह गरजता है समुद्र। समुद्र समुंदर की उफनती लहरों ने निगल लिया है मन के अनजान द्वीपों को, जहां बसती थी सुप्त आकांक्षाएं, काल और सीमाओं से अपरिचित अपरिभाषित जिंदगी की आपाधापी से बेखबर पिछड़ी हुई पत्थर युगीन बस्तियां, आदिम और अभावग्रस्त, फिर भी निजता के आग्रह और अहंकार से ग्रस्त। छोटे छोटे बिंदु अपनी शर्तों पर समृद्धि का समुद्र जगने नहीं देगा अछूते और एकाकी बिंदुओं जैसी द्वीप। अश्वमेध का कुचक्र बीती सभ्यताओं के भग्नावेशों को मिटा देने के लिए बेताब, एकांत और अप्रासंगिक, पिछड़े और पराजित होने की व्यथा, इतिहास के लंबे दौर को जीने के बावजूद विशाल भूखंड से छितर बितर कर निर्वासित एकाकी द्वीप सत्ता की उद्दाम लहरों के बीच कब तक रह सकते हैं नक्शे पर आकार बचाकर। और अंतिम कविता है नक्कार खानों में। वे लोग जो सारे आसमान को जकड़ कर रखते हैं अपनी मुट्ठियों में और बेरहमी से रौंद देते हैं दूसरों की जमीन, आज फिर उग आए हैं सड़कों पर उत्पात मचाते गिरोहों के साथ। अभी हवा में खुलेंगे उनके जय जयकार के स्वर, लहराए जाएंगे उन्हीं के झंडे, कहीं सुनी जाएंगी उन्हीं के मन की बातें। व्यक्ति पूजा की इस प्रतियोगिता में रोज उतारी जाएंगी आरतियां, बरसाते जाते रहेंगे फूल और पाए जाते रहेंगे पद इनाम और रुतबे। समय का यह ऐसा दौर है जहां मानना ही पड़ेगा हर एक को कि उतर आया है जमीन पर स्वर्ग। किसी पुण्य पावन दिव्य
महिमामयी ज्योति पुंज से मिट गया है दसों दिशाओं का अंधकार, और एक बार फिर पेड़ों की डालियों पर लद गए हैं सोने के फूल, दूध और घी की नदियां फिर से बहने लगी हैं धरती पर। बड़े बड़े मायावी मंत्री तंत्री और संतरी, टीवी पर बचते भोंपू सेठ साहूकार अप्सरान, फिल्मी सितारे क्रिकेटर्स चीयरलीडर्स, बड़े और छोटे नेता ही नहीं पलटी मार बुद्धिजीवी लेखक और पत्रकार, सब मिलकर जपने लगे हैं अच्छे दिनों के मंत्र अपने अच्छे दिनों के लिए। क्या मजाल किसी की कि पूछे कोई सवाल तर्क और विमर्श या सच्चाई की पड़ताल, अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ हाँ कहने के लिए है। उन्माद और उन्मत्तता की आंधी ने प्रतिरोध के सारे बुर्ज ध्वस्त कर दिए हैं। दंडित कर धमका कर जेल और हत्याओं में चुप करा दिए गए हैं कितने ही नामाकुल से लोग। साम दाम दंड और भेद से जीत लिया गया है संसार। फिर भी जरूरी है ऐसे वक्त पर गूंजती रहे नक्कार खाने में तूती की आवाज, राजा नंगा है के स्वर एक ढोल से आरंभ होकर ही तो पूरी नगरी में फैले थे। बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर जन सरोकार मंच और विशेष रूप से भारत जोशी और देवेन जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। नमस्कार।